मैं फेंक रहा हूँ। अरे नहीं 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 मैं फेंक रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। फेंक रहा हूँ नहीं 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 बिल्कुल। एक ही नहीं है ना, चले साइकिल घुमा चल, चले किसी और को ढूंढ ले चल। एक मिनट अरे हमें पूरा यकीन है। आप चलिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, राष्ट्रभक्त। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। छोटी छोटी क्लिप से मिलके एक बड़ी सी वीडियो बनाई हुई है। बहुत प्यारी प्यारी क्लिप्स हैं, कुछ क्लिप से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, तो प्लीज वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, जिससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा ये छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ना बकवास करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकर प्रभु का नाम, जय श्री राम। It's all about love. So last but not the least, my special love you. जानते हैं करण सर ने बहुत सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है। सर बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि जब एक्ट्रेस के बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद आप डिजाइन सोचते हैं कि मैं पहुंच जाता हूं। सुबह सुबह पहुंच जाता हूं, मैं घंटी मारता हूं कि मैं आ गया हूं। मेरे सनम की पहली नशानी, मेरे सनम की पहली नशानी, हाथों में डोरा उड़ा सा पतंग, कोई देखे तो बोलो मेरा सनम, कोई देखे तो बोलो मेरा सनम। के बारे में तो एक आम मफरूजा है कि अगर इसको खाया जाए तो कोरोना वायरस का बेहतरीन दिफा किया जा सकता है। इसकी अगर रिसर्च करवा ली जाए और ये साबित हो जाए कि टड्डी दल खाने से कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत कुव्वत मुदाफत पैदा होती है, तो पाकिस्तानी कौम खुद ही इसका तिया पांचा कर देगी। हुकूमत को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। I see. Could you make me a cup of tea, please, Stephanie? भाई कैसी लगी आगे स्वाद? कभी नहीं कहेंगे आई हेट यू, हमेशा साथ रहेंगे मी एंड यू। अगर हम इस दुनिया से चले भी जाए ना, तो ऊपर देख के बोल देना मर गया माता। के नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो। So what is Islam's view on concubines? A Muslim man can have up to 4 wives at once. In addition to the 4 wives, he can have an unlimited number of concubines, which refer to women who are basically have slave status. When they are owned by her master, a woman owned by her master has to freely give of herself to the master. The master has the right to have sexual relations with her as though she were one of his wives. And how does consent play into this at all, or can we? The understanding is that by virtue of the fact that she's owned, she does not have the right to consent.
she or to withhold herself from her master. The master has the full right over her, and her consent does not play anything in this relationship. कल गुलामों के कुल देवता 50 साल के निकम में नाकारा राहुल गांधी गांजे का पेड़ देखकर वहां गिर गया, ये सब करने के लिए तुम्हें रखा है, तो तुम अपनी औकात के हिसाब से रहो, ठीक है। तुम्हारा बायोडाटा भी तो देखो कितना खराब है, तुम्हें कोई कौन सा देश तुम्हें लेगा भी नहीं, मतलब माँ है जो बेल पे बाहर घूम रही है, मतलब बहन जो मर्दाना मुंह लेकर कुछ भी हरकतें करती फिर रही है, जीजा जी जो चोर है, तुम खुद सुकन्या रेप केस में बाहर घूम रहे हो, मतलब अव्वल दर्जे का निकम्मा नाकारा नालायक खत्म। Arnab, we'd like to stop you. Arnab. Yes, Arnab. Wow, that's a very good thing. Arnab, please answer a few questions. Answer a few questions. There are allegations against you. Arnab, the question we are asking is that Mumbai police has registered a case against you. We are asking a simple question, Arnab. Mumbai police has registered a case. What do you have to say? What do you have to say? Mumbai police has registered a case against you, Arnab. What do you have to say? The entire TRP scam. Arnab, did you... Arnab! Arnab, the question we are asking is... It's a simple question. If you have not done anything wrong, you are innocent. Why are you giving us this treatment? Chali. एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। दरअसल मैं उस वक्त एनडीटीवी आया था जब हिंदुस्तान बदल रहा था, और ये 1996 की बात है, और मेरे जैसे कई लोग पूरे देश में यहाँ से वहाँ हो रहे थे और नई नई नौकरियों में जा रहे थे। चाचा, ये सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाबू भैया, Often described as Pakistan's most cosmopolitan, पीछे तो जाओ यार। आ मुंह में घुसा लूँ? आज हमारा ख्याल है कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करके हम लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए, हालांकि आप लैंडलाइन का दौर याद रखिए, मुझे और आपको 50-100 नंबर्स याद होते थे, आज बहुत से लोगों को बीवी का नंबर याद नहीं, माफ कीजिएगा। तो हम टू मच स्मार्ट, आपने टेलीफोन नंबर की बात की। जी जी, एग्जैक्टली। वेट अ मिनट, बहुत से लोगों को बीवी का नंबर याद नहीं, माफ कीजिएगा। तो हम टू मच स्मार्ट, आपने टेलीफोन नंबर की बात। जी जी, एग्जैक्टली। मैं कुरान में भरोसा करता हूँ, क्योंकि कुरान हवा है वो गलत नहीं है, तलवार के दम पे कोई भी चीज नहीं लागू कराया जा सकती, प्यार मोहब्बत का धर्म है इस्लाम, इसलिए लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। मैं नहीं मानता कि अगर इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे, और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको गलत साबित कर दे, तो मैं उसकी गुलामी कर लूं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? ना करते हैं, और कांग्रेसी हमेशा ऐसे जब भी जघन्य अपराध होंगे या अन्याय होगा तो हमेशा उनके साथ खड़ा होगा। उसके साथ साथ हमारा जो अल्पसंख्यक विभाग है पूरे भारत का, वो हमेशा अन्याय करने वालों के साथ रहेगा और हमेशा साथ रहता है। मोदी जी, वाह वाह वाह। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है, और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा एक छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल फिर एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।